टायर तो यहाँ से निकल जाना था, लेकिन ये जो ये इतनी स्टील की प्लेट है, ये देखो इतना ग्राउंड क्लियरेंस इसका एक्चुअल में, लेकिन इसकी वजह से ही हो जा रहा है डाउन। करो आगे। वे? ये क्या हुआ? यही तो है यार, लोग हंसने लगेंगे कि इस पे गाड़ी नहीं चलानी आती। इस गाड़ी ने क्या दिन दिखा दिए हमको, अब गाड़ी को लग रहा है डबल जोर। इसलिए तो भाई 4x4 को प्रमोट ही नहीं कर रहे। बैठ गई है भी यहीं। रहन दो लग। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये भाई हमने अपनी जिमनी 5 डोर अपने फार्म के आगे लग खड़ी करी। एक हम जी थार है। हाँ ये जिमनी है क्या? मजा ले रहा थार 5 डोर है। थार रॉक्स आपने देख नहीं है क्या अभी? नहीं यार, यार हम तो नहीं भी लिया यार, आपने देख नहीं। आओ यार बैठो गाड़ी में, हमारी में आ जाओ। तो भाई ये भाई हमारे सब्सक्राइबर भाई हमसे आके मिले, तो इन्होंने मेरे से एक ही बात कही। पहली तो इनको भाई रात को नींद नहीं आती, बताइए वीडियो देखे बिना है भाई? मतलब आप मुझे देखना चाहते हो या रॉक्स को देखना चाहते हो? आपको देखना चाहते हैं फिर रॉक्स। अच्छा जी, अरे भाई तो लव यू ब्रो, लव यू। अच्छा एक मेरे को बात बता दो इसी बात पे, सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हो इस गाड़ी का? ऑफ रोडिंग ला दो जल्दी से बस, और किसका इंतजार नहीं, बस ऑफ रोडिंग देखो। भाई ने मेरे से यही कहा कि अरुण भाई ऑफ रोडिंग कहाँ है ऑफ रोडिंग? तो भाई देखो अकेले अकेले ऑफ रोडिंग करने में मजा नहीं आता, छोटी और कोई इसकी बच्ची से साथ ऑफ रोडिंग करवा दूं। बच्ची के साथ ही ऑफ रोडिंग करा दूं? हाँ करा दो, वो तो फंस जाएगी यार। अभी 2-3 दिन हुए हैं गाड़ी है यार, मन से तो ना मान रहो, लेकिन कर दूं। दहपोला दिनेश भाई आजा भाई, फिर आजा ऑफ रोडिंग करने चलेंगे भाई। और कई भाइयों ने कल कमेंट किया था वीडियो पे कि भाई ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं किया था, इस वजह से फंसा रही थी। चलो वो भी आज टेस्ट कर लेंगे भाई, ट्रैक्शन वगैरह ऑफ करके दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप महिंद्रा थार रॉक्स आपने बुक कर रखी है, क्योंकि बहुत लोगों ने करी थी 1,76,000 बुकिंग में से, मेरे जो भाई हैं उनमें से भाई जाना ना करते 10,000 ने तो करी होगी। तो भाई अगर आप महिंद्रा थार रॉक्स का वेट कर रहे थे ना, तो आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट करके ऐसे व्हाट्सएप पे एक मतलब मैसेज सा आया होगा महिंद्रा की तरफ से, उसमें वेटिंग उन्होंने बता दिए कि भैया क्या रहेगी। तो मैंने एक बेस मॉडल भी बुक करा था MX-1, जिसकी डिलीवरी डेट दी है भाई इन्होंने 19 अप्रैल 2026 से 18/5/2026। अगर व्हाट्सएप पे नहीं आया तो मेल जरूर आया होगा भाई, जिसमें आपको डिलीवरी डेट दे दी होगी जोन सा भी वेरिएंट आपने बुक करा है। तो बेस मॉडल की डिलीवरी आज से 2 साल बाद, मानो अभी 2024 चल रहा है तो 26 में मिलेगी। भाई महिंद्रा ना प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना लेते, लेकिन मार्केटिंग के मामले में ना इनका थोड़ा प्रोफेशनल इनको होना चाहिए। 2 साल बाद इनका इन्होंने भाई पोस्टर लगाने के लिए जस्ट लिख दिया कि 13 लाख रुपए पेट्रोल वाली स्टार्ट हो रही है, 14 लाख रुपए से डीजल 4x2 स्टार्ट हो रही है। 2 साल बाद उसके प्राइस कितने बढ़ जाएंगे आप खुद सोच के देखो, 2-3 लाख रुपए एक्स शोरूम पे बढ़ा देंगे, वो एक्स शोरूम में पहुंच जाएगी 15-16-17-18-19 लाख रुपए की आपको बेस मॉडल मिलेगी। चलो प्राइस भी देखी जाए, हमारे इंडिया में बहुत भोरे लोग हैं यार, ये 2 साल वेट करेगा कौन, और 2 साल बाद भी कोई थार रॉक्स लेगा क्या? तो जो बेस मॉडल वाले जिन्होंने भी बुक करी थी ना एक्साइटमेंट में आके कि बेस लेंगे, कर लो 2 साल वेट। और ये 3 तारीख की बुकिंग करी थी, 11 बजे बुकिंग खुली थी ना, 11:01 पे ये बुक हो गई थी ये वाली गाड़ी बेस मॉडल, और इसकी 2 साल बाद वेटिंग पीरियड है, जिसने बाद में करी होगी उसकी वो 3-4 साल बाद गई होगी। तो भाई मैंने तो आपको ये तभी फर्स्ट डे ही कह दिया था कि इट इज अ वेरी बिग स्कैम ऑन द नेम ऑफ एक्स शोरूम, छोटा दिखा के कम दिखा के लोगों में एकदम हाइप बनाने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है। आप जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया रहेगा। देश का ब्रांड ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन अंधभक्त भी नहीं हुआ करते किसी ब्रांड के पीछे, मैं ये समझाना चाहता हूँ बस। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत सुपर है भाई, चलाने में, स्टेयरिंग में, पिकअप में, माइलेज में, हैंडलिंग में मुझे बहुत तगड़ी लगी, बहुत मतलब लव यू हो गया इससे। बट दिस टाइप ऑफ नॉनसेंसिंग, 2 साल का वेटिंग पीरियड है, हाइप बना रहे हैं बस खामा खाएंगे। इनकी थार पिटी डोली थी अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, ये पता है इसलिए ये सब प्राइस रखते हैं जिससे इनकी कोई वेबसाइट पे जाए या अखबार वगैरह में एड वगैरह जहाँ पे दें तो नॉर्मल बंदा देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाए कि इतना सस्ते प्राइस पे थार रॉक्स लॉन्च कर दे, और इतनी बड़ी गाड़ी देख के इतना ऐसा प्राइस देख के सबको लगता है अरे क्रेटा सेल्टोस क्यों लेंगे हम, इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे ना। तो भाई मेल लेके तो ये कुछ लिखो, अब तुम जवान हो गए, इनकी वेबसाइट पे जाके व्हीकल बुकिंग्स में जाके जस्ट इसको फटाफट से कैंसिल करवाओ और 21,000 रुपए अपने वापसी लो। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन आ रहा है कैंसिल बुकिंग, इस पे करूंगा मैं, तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेना कि भैया अनेबल टू गेट डिलीवरी ऑन टाइम और यस कैंसिल कर दो, देखते कितने रुपए काटते हैं ये। चलो ये तो बढ़िया है भाई, महिंद्रा वाले इस चीज में तो अच्छे हैं कि कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले रहे हैं, जो भी 21,000 रुपए हमने पे करे थे वो हमको वापसी अपने अकाउंट में मिल जाएंगे 7 दिनों के अंदर। और अब देखना भाई जितना इन्होंने हवा बनाई थी ना, 1,76,000 बुकिंग हो गई एक घंटे में, अब वो सारी बुकिंग ऐसे कैंसिल हो जाएंगी, 1,00,000 तो ऐसी कैंसिल हो जाएंगी, 76,000 बचेंगी बस इनके पास। बट भाई गाड़ी तगड़ी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है भाई, गाड़ी एक नंबर है, मार्केटिंग चाहे कैसी हो। और ये इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, ये तो बेस मॉडल की मैंने अभी आपको
बताई, एक मेरे दोस्त ने भाई टॉप मॉडल बुक करी थी, उसका भी सेम हाल है। इनको कम से कम टॉप मॉडल तो टाइम पे देने चाहिए, वो भी अप्रैल 2025 से मई 2025 है। ये तो 17L टॉप मॉडल डीजल 4x4, मतलब टॉप मॉडल भी नहीं है इनके पास भाई। ये ब्लैक में गाड़ियां बेच रहे हैं जो इतनी इतनी डीलरशिप्स पे आ रही है ना, उसमें सिरेमिक कोटिंग करवाओ, पीपीएफ करवाओ, फालतू ऑप्शन आप ये सब करवाओ, तब गाड़ी बिक रही है जिन्होंने ईमानदारी से बुक करी। और ये भी 3 तारीख की 11:01 की बुकिंग है भाई। जब फर्स्ट बंदे को नहीं मिल रही, जो पहले आए होंगे उनको गाड़ी नहीं मिल रही है, तो इतनी गाड़ी जो डीलरशिप्स पे आ रही है वो जा कहां रही है? वो भाई जा रही है डीलरशिप्स के मुनाफे करवाने में। महिंद्रा खुद उनका मुनाफा करवा रहा है कि गाड़ियों पे कोटिंग पोटिंग, फालतू के जो वैसे लोग हैं जिन्हों प्रीमियम देके गाड़ी लेना चाहते हैं उनको दो। मार्केटिंग हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है, हाइप हम अपने आप बना रहे हैं गाड़ी की। जहाँ पे सेल करने की बात आ रही है वहाँ पे डिले चलना कोई दिक्कत नहीं है। जिसको गाड़ी लेनी होगी वो वैसे भी प्रीमियम वगैरह देके कर देगा, लेकिन एक नंबर तरीके से जिसने बुक करी होगी वो भी नहीं करेंगे। चलो ये वाली जो बुकिंग है ना ऊपर वाली, ये तो 11:01 की 3 तारीख की, 2 दिन बाद ये बुकिंग करी थी। टॉप मॉडल है ये भी, 17L टॉप 4x4 जिसमें कंपनी सबसे ज्यादा बचता है। इसकी 26 टॉप मॉडल की भी 2026 अप्रैल की डेट आई है यार। और ये भी व्हाइट इंटीरियर की, ऐसा नहीं मोका ब्राउन वाला है। वाले अगर ऑफलाइन बुक करवाना चाहते हो तो सीधे 2 साल की बता रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन किसी ने फर्स्ट डे भी करवाई होगी ना तो भी भाई सेम हाल है। मतलब ये लगा लो इन्होंने बुकिंग करवा के ना लोगों पे अपना पैसा इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, उन सब गाड़ी बना रहे हैं और मस्त ब्याज खा रहे भाई लोगों के पैसों पे। बेस मॉडल की तो चलो समझी भी जाए, वो तो सबको पता था कि भाई वो मतलब ऐसे ही फेक है और वो नहीं मिलेंगी गाड़ियां, वेटिंग जाएगी इनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन टॉप मॉडल से तो उम्मीद नहीं थी यार। स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा जेड डेट एल 6 महीने तक केवल टॉप बिकी थी, इसलिए लोगों ने इस बार भी टॉप मॉडल बुक करवाई कि टॉप तो सबसे पहले मिल जाएगी, लेकिन बताओ टॉप तक नहीं दे रहे यार। उसके लिए बंदा 8-8 महीने 1-1 साल वेट करे, हद हो गई। तो मेरे ख्याल से भाई महिंद्रा को ये चीप प्रैक्टिसेस भाई छोड़ देनी चाहिए अपनी गाड़ियां बेचने के लिए। इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है, कम से कम अच्छी एक मार्केटिंग टीम भी हायर कर लो। हाँ वो छोटी गाड़ी की। अच्छा इसका भी कुछ पता चले इनके दोनों के बारे में? हाँ अच्छा इनका टक्कर ले रहा है वो मारुति की 4x4 है और ये महिंद्रा की 4x4 है, मोटरसाइकिल आ रही है। तो चलो भाई पानी भर दिया आपने, पानी भर दिया ना आपने अपने खेत में भाई। जब मैं कह रहा हूँ गर्मी कितनी पड़ रही है, क्या नीचे भर रही है ना, फरेब करके पानी पी जाता है चुन दाते हैं। जैसा आप पीते हो आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगी? हाँ तो फिर तो ये क्या मतलब दोपहर ही से धूप से सूख गया पानी? हाँ जी अगर धूप ना होती ना तो पानी अंदर खड़ा रहता। इतने ही तो रोक रखा वो नीचे के गाड़ी में दे रखा टायर, जो आधा अपना वजन खींचने से आधा वो टायर, वो तो मेरे जान लगा रही है। दोनों भाई की नुकसान है, उस भाई की गाड़ी देख बाबा वाकई में ना कुछ भी उसके में देख और अपनी में देख भाई 3:30 ये 350 वाला पार्ट कही है भाई, अगर टूट जाए कोई फुट स्टेप फुट रेस्ट वगैरह कुछ ना अंदर पीछे लेके उनको घुमा के ला। चलो भाई एक बार इसमें यहाँ पे टेस्ट करते हैं हम लोग इसका जिमनी का परफॉर्मेंस। भाई स्पेशल इसलिए आए हैं भैया जिमनी की ऑफ रोडिंग टेस्टिंग वगैरह करनी है बॉक्स के साथ कि भाई ये ज्यादा पावरफुल है। देखो इसमें मैंने जो है टायर वायर फंसाया था ना वो आपने वीडियो देख ही ली होगी, वो यहाँ पे था। देखो हम शाम का टाइम था, गाड़ी पैक करी नहीं नॉर्मल थी 4x2 में। एक बार लेके आओ इसको इधर, इसके तो खूटे से बैठ गए थे भाई। देखो खूटे से आप नहीं समझते, देखो ये कहते ना ये वाले पेंटालिंग सस्पेंशन वस्पेंशन क्या दिया है, ये फंस गए थे इसके। इस चक्कर में भाई इसका हो गया था एकदम तहपोला। अब देखते हैं भाई ये जिमनी छोटी वाली क्या परफॉर्म करती है। मेरी कोई इंटेंशन ऐसे कुछ फंसाने वसाने की नहीं थी उस टाइम भी भाई, ये जस्ट हम इसको ऐसे चला रहे थे। वाह वाह यार अभी लगा अभी निकालो निकल जाएगी यार। इसमें नहीं है वो सब कुछ भी, देखो भाई इसके अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे लेके देखियो, पीछे लो पीछे लेके एकदम फिर मोमेंटम में चली जाएगी। बैठ गई है अभी यहीं बैठ गई। आगे लेना एक बार, आगे लेके टेस्ट मारो एक बार 4x2 में ट्राई मारो एक बार 4x2 में निकल जाए तो। रहन दो लगा दो 4x4 लगा दो 4x4। पहली बार लगा रहे हो आज? नहीं नहीं पहले लग चुका कर दिया तो भाई इसका ये लीवर ये लग गया। चलो निकालो अब देखना भाई इसकी 4x4 की, मैंने आज तक ऑफ रोडिंग करी नहीं जिमनी के साथ, लेट्स सी। चलो जी अरे और भाई स्मूथ यार, इतनी स्मूथ है और वो तो बंद हो रही है एक मिनट में देने झटके मान लिए कुछ आवाज करती इसमें तो आवाज भाई का
कसम से भाई, ये तो ऐसा कोई मैजिक सा हो गया कि मिट्टी हट गई हो। मैंने तो उससे क्या कहा था उस टाइम भी, ये तू अपनी लगा इसमें, अरे कीचड़ है वो, भर कुछ नहीं करती है, आराम से निकलती है ये करती है। अब शक्ल देखिए जरा एक बार, अपनी शक्ल दिखा यार। मैंने भाई समझ कहां गया मेरा। अरे सुनो भाई, ऐसे देख रहा। चलो देखो सुनो, आपने ये ड्राइव करी। हाँ। अब आप इसी में इसी को लेके जाओ। चलो आप दोनों को ऐसे न्यूट्रल होके एक बार जज करके देखो। ठीक है, आप इसको देखने आप कहोगे ये क्या है। अब तू यहाँ देखियो, अब दोबारा लगा दोबारा। अब तो उसका अब तो चौड़ाई बढ़ गई है खड्ड की। पहले केवल उसी के लिए फ्रेम सा बना हुआ था फांसने का। अब देखियो है ना। चलो अब तू लगा भैया, देखते भाई आई एम रियली शॉक्ड यार। भाई ये बच्ची कह तो एक दानो भी आवाज बिना है गाड़ी में तो, और यूं तो खटखट कर कहल बंदा है जे का चक्कर है, जैसे लोग लग जा गाड़ी पे दिक्कत कहां यार। वही तो समझ से बाहर है यार। चलो अब रोक्स की बारी भाई, जिमनी वाला ड्राइवर, देखते हैं क्या कर पाते हैं इसमें। पर वैसे लोग नॉर्मल आप चलते जा रहे हो। हाँ ऐसे लोग बंद होती है ना। हाँ वही तो, ये देखो ये भाई, बताओ ऐसी छोटी छोटी जगहों पे ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है, क्या दिन आ गए भाई। इस गाड़ी ने क्या दिन दिखा दिए हमको कि इन छोटी जगहों पे ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है हमको। लो जी हेलो। ले लो 4x2 वालों, ले लो मुझे। अब क्या होगा इसमें, नहीं जा रही है बिल्कुल ही ना। देखना उधर भी, अरे तो देखो देखो बाहर आके देखो, टिक गई वो उन पे ही टिकती है, पूरी बैठ जाती है गाड़ी दम में। मैंने क्या बोला, ये घसीट ये टायर का मार्क है सिर्फ इतना, और ये जो हिस्सा है ये वही वाली जो पट्टी है ना साइड में, वो घसीट मार रही है। वही तो देख, और मन आती की हरिया देख ले भाई। भाई 4i तो सीधा ऐसे ही हो जाता है ना। करो आ गई, ये क्या हुआ, यही तो है यार। लोग हंसने लगेंगे कि इस पे गाड़ी नहीं चलानी आती। वही तो, अब आप लोग रेस उठाओ। अरे भाई हो रहा है ना, गेल यार कम छोड़ देती है गाड़ी, देखना बहुत निकल गई पट्ट देसी। अब क्या तो 4i में यार आर्म बड़े ऊंचे करने पड़ रहे हैं। अरे इस बार ये वो बन गया है ठीक, वो बन गया मौसम वाला सौदा बन गया है, इसलिए आरपीएम इसके बताओ ये करीब 3000 पे आइडल पे करो तब जाके छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो 2000 पे ऐसे आरपीएम कर रहे हैं तो एकदम बंद हो जा रही है। देखो कितनी खूबसूरत आ रही है, ये बंद हुई इतने में बंसी हो रही है। पीछे लेके एल में करके देखता हूँ। एल में ले लो, एल में नहीं होती, एल में जोर मारते पूरा। नहीं एल में मतलब ये देख रहा हूँ ना, एल में तो हमें जोर लगाना ही नहीं पड़ता, खुद से जोर लगाती है ना गाड़ी। एल में लगी कट की से आवाज आ जाती है ना एकदम। कुछ नहीं कर रहे ना आप, देखो अपने आप मौसम बनाती है, अपने आप टोर खींचते गाड़ी। हाँ ये देखो भाई कोई रेस नहीं है, ये पैर एक तरफ है मेरा। हाँ टायर तो यहाँ से निकल जाना था। हाँ। लेकिन ये जो ये इतनी स्टील की प्लेट है, ये देखो इतना ग्राउंड क्लियरेंस इसका एक्चुअल में, लेकिन इसकी वजह से ही हो जा रहा है डाउन। हाँ। यहाँ देखो इतना ही मिट्टी काटते हुए जा रहा है, अब गाड़ी को लग रहा है डबल जोर। हाँ। एक तो उसे अपने वजन को और टायरों को निकालना है बाहर, दूसरा इतनी मिट्टी को काटते हुए आगे ले जाना है, सेम इधर और सेम ये देखो इधर, ये रहा सब। ये बहुत मोटी दिक्कत है, ये डिमेरिट है इसमें, इसीलिए तो भाई 4x4 को प्रमोट ही नहीं कर रहे, इसीलिए तो भाई 4x4 को प्रमोट ही नहीं कर रहे, इनको पता है ना ये चीज। लेकिन भाई इससे पहले भी तो दूसरे थे इसमें पेंटालिंग लिख रहा है।